पिछले वीडियो में हम दो सगे भाइयों और राजा के बीच किसी के मन को पढ़ने की कला के बारे में हुई वार्ता को सुन रहे थे, जिसके आगे की कहानी मैं आज आपको बताता हूं। अगर आपने पार्ट वन अभी तक नहीं देखा तो पहले उसे जरूर देखिए। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में पिन है। तो चलिए शुरू करते हैं। अंधा व्यक्ति आगे राजा से कहता है, राजन, किसी के मन के विचारों को जानने के लिए पहले आपको एक चीज करनी होगी। अपनी मानसिकता का संकेंद्रण दूसरों के विचारों से करना होगा, क्योंकि वह व्यक्ति वर्तमान में सोच रहा है और हमें भी अपनी मानसिकता को वर्तमान में लाना होगा, तभी हम उनके विचारों को समझ सकते हैं। राजा कहता है, अगर हम पिछली घटनाओं के बारे में सोच रहे हैं तो हमें यह कैसे पता चलेगा कि दूसरा व्यक्ति वर्तमान में क्या सोच रहा है, क्योंकि हम पिछली घटनाओं में लिपटे हुए हैं। उसके बाद वह व्यक्ति राजा से कहता है, राजन, मैं तीन ऐसे तरीके बताऊंगा जिनसे आप किसी के विचारों को आसानी से समझ और पढ़ सकते हैं। इसके बाद अंधा राजा से कहता है, किसी के विचारों को समझने का पहला चरण है सामने वाले की आंखों पर ध्यान देना। किसी से बात करते समय सबसे महत्वपूर्ण यह है कि हम उसकी आंखों में देखें, क्योंकि आंखें बोलती नहीं लेकिन वह बहुत कुछ कहती है। अगर हम उस व्यक्ति की आंखों के संकेतों को समझना सीख जाते हैं तो हम जान सकते हैं कि उसके मन में क्या चल रहा है, वह क्या सोच रहा है और वह क्या करने वाला है। व्यक्ति आगे कहता है, मेरी अपनी आंखें नहीं है लेकिन मैंने यह कौशल प्रिय गौतम बुद्ध से कई साल पहले सीखा था। वह मेरे शिक्षक और मार्गदर्शक थे। उस समय मेरी आंखें थीं और मैं सिर्फ उनकी आंखों के माध्यम से लोगों के विचारों को समझ सकता था। इसीलिए अगर आप भी दूसरों के विचार जानना चाहते हैं तो आपको उनकी आंखों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जैसे कि उनकी निगाह वह कहां देख रहे हैं और किस दिशा में है। अगर जब आप उनसे बात कर रहे हो और उसकी आंखें इधर उधर घूम रही हों, तो यह मतलब है कि वे बातचीत से बचने का तरीका ढूंढ रहे हैं और कोई शायद झूठ बोल रहा हो। अगर व्यक्ति सीधे नजर मिलाने से कतरा रहा है तो यह मतलब है कि उसको डर है कि उसका झूठ प्रकट हो सकता है और लोग सच्चाई को जान लेंगे। लेकिन अगर उसकी आंखें बिना हिले आपको देख रही हैं तो वह शायद ईमानदार हो सकता है और उन्हें आपसे बात करना और अपने विचार साझा करना है। इसके अलावा देखें कि उसकी भौहें कैसे हिल रही है। अगर दूसरी ओर देखते हुए उसकी भौहें नीचे जाती है तो वह शायद कुछ सोच रहा है या किसी अन्य चीज के बारे में चिंतित है। अगर उसकी भौहें ऊपर जाती है और उनकी आंखें बड़ी हो जाती हैं तो वह आश्चर्य या जिज्ञासु हो सकता है। इसके अलावा देखें कि उनकी आंखों की सफेदी कितनी लाल है या कितनी सफेद है। आंख का सफेद हिस्सा स्क्लेरा कहलाता है। अगर स्क्लेरा लाल होता है तो यह मतलब है कि वह थके हुए या बीमार हो सकते हैं, वह आपसे बात करना नहीं चाहते होंगे। अंधा व्यक्ति आगे कहता है, मैं एक समय याद करता हूं जब मैं एक थके हुए व्यक्ति से मिला था जो मेरे साथ एक यात्रा पर था। हम जब बात कर रहे थे तो उसकी आंखें बहुत घूमती रहती थीं, मुझे कभी देखती नहीं थी। इससे दिखाई देता था कि उसको किसी बात को लेकर चिंता थी और वह जल्दी जाना चाहता था। मुझे लगा कि वह कुछ छुपा रहा है। हो सकता है वह मेरे साथ बात करना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने उससे और सवाल पूछे। मैंने पता लगाया कि उसकी योजना क्या थी। किसी के मन की बात जानने का दूसरा तरीका है सामने वाले व्यक्ति की चेहरे की अभिव्यक्ति, अर्थात चेहरे को ध्यान से देखना। चेहरे की भावनाओं के व्यक्तिगत व्यवहार होते हैं जो हमें आसानी से व्यक्ति के विचार समझने में मदद कर सकते हैं। कभी कभी व्यक्ति अपने चेहरे के माध्यम से विभिन्न व्यवहार दिखाता है। यदि आप किसी के चेहरे की अभिव्यक्ति पर ध्यान देते हैं तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि वह व्यक्ति निराश है या बहुत दुखी है या बहुत खुशी है। आप यह भी समझ सकते हैं कि वह अंदर कैसा महसूस कर रहा है, और यह सब बातें उसके चेहरे की अभिव्यक्ति के माध्यम से निश्चित की जा सकती हैं। हे राजन, चेहरा एक चित्र की तरह है जो दिखाता है कि लोग अंदर कैसा महसूस कर रहे हैं। अगर वह कुछ न भी कहे, यदि आप लोगों को बेहतर समझना चाहते हैं तो आपको इन नीरव संकेतों पर ध्यान देना होगा। जब आप किसी को देखते हैं जिनका मुंह नीचे की ओर मुड़ जाता है और छोटा सा दुखी चेहरा बनता है, तो आम तौर पर यह मतलब होता है कि वह खुश नहीं है, संतुष्ट नहीं है या कुछ हार गए हैं। आप उनकी आंखों और उनके शरीर से भी समझ सकते हैं कि वह कैसा महसूस कर रहे हैं। दूसरी ओर जब कोई बड़ी और सच्ची मुस्कान होती है जो आंखों और गालों को उठाती है, वह खुशी,
मित्रता और दयालुता का संकेत है। इसमें आंखों का बड़ा महत्व है। जब वे छोटी और चमकीली होती हैं, तो आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि मुस्कान सच्ची है। देखें, किसी व्यक्ति की भ्रूण की जगह जहां त्वचा गहरी होती है और ढीली होती है, जब यह गहरी और तंग होती है तो अक्सर इसका मतलब होता है कि वे उलझे हुए महसूस कर रहे हैं, कुछ कठिन या नई चीज को समझने की कोशिश कर रहे हैं। रुख का तरीका मुंह हमें बहुत कुछ बता सकता है। एक मुंह जो बंद और संकुचित हो, यह मतलब हो सकता है कि वह सहमत नहीं है, किसी चीज से संतुष्ट नहीं है या बातचीत करना नहीं चाहते। लेकिन एक मुंह जो खुला और आराम से हो, यह मतलब होता है कि वह खुले मन से बातचीत करने के लिए तैयार है। जब आप चेहरे के इन संकेतों को देखने और समझने में महारथी हो जाते हैं, तो आप यह जान सकते हैं कि लोग किस बारे में सोच रहे हैं और कैसा महसूस कर रहे हैं। चाहे वह अपनी भावनाएं बाहर कहे या चुप रहे, उनके चेहरे से हर बात साफ हो जाएगी। इसलिए कोई व्यक्ति जैसे भी अपने शब्दों से बोलता हो, आप उनके चेहरे से सब कुछ समझ सकते हैं। मैं आपको एक कहानी सुनाऊं। एक बार मैं एक दुखी व्यक्ति से मिला जो मेरी मदद के लिए आया था, लेकिन वह ऐसा व्यवहार कर रहे थे कि उन्हें कोई परवाह नहीं। लेकिन मैंने उनके माथे पर एक छोटी सी रेखा देखी, जिससे पता चला कि उसकी एक परेशानी थी। मैंने उससे कहा कि मुझे अपनी समस्या बताए और उन्होंने बता दी। इसके बाद उसको अच्छा लगा और मैंने उसकी मदद भी की। एक सच्ची मुस्कान आंखों को भी खुश बनाती है। यह मतलब है कि वे खुश और दयालु हैं। मुंह की भौंह नीचे जाती है, इसका मतलब है कि वह चिंतित या किसी चीज में उलझे हुए हैं। भौंह ऊपर जाती है, जब वे हैरान या जिज्ञासु विचार रहे होते हैं, तो आप उनकी भावना को उनके चेहरे को देखकर समझ सकते हैं। तीसरे मेथड की ओर आगे बढ़ते हुए व्यक्ति राजा से कहता है, राजन, विचारों को समझने का तीसरा और आखिरी तरीका भाषा भी है। हाथों के इशारों और शरीर की भाषा को भी समझना होगा। जब कोई व्यक्ति बातचीत करता है, तो आपने देखा होगा कि वह अपने हाथों को हर समय हिलाता रहता है, इशारे करता है। शब्दों के अलावा उसकी शरीर की भाषा भी बड़ी भूमिका निभाती है। वह क्या सोच रहा है, यह समझने में, राजन, शरीर और हाथ बिना शब्दों के बहुत कुछ कह सकते हैं। ये शब्दों की तरह बातचीत का एक गुप्त तरीका है, जहां आप देख सकते हैं कि लोग क्या चाहते हैं और कैसा महसूस कर रहे हैं। वे छोटी छोटी चीजों से जो वे करते हैं, किसी को ध्यान से देखें। जब वह आपसे बात करते समय अपनी उंगलियां तेजी से टैप करता है, जब उंगलियां किसी चीज पर तेजी से आवाज करती हैं, तो यह मतलब हो सकता है कि वह बोर हो रहे हैं, जल्दी में है, या बातचीत जल्दी समाप्त करना चाहते हैं। आपने गूंगे बहरे लोगों को इशारों में बात करते अवश्य देखा होगा। अगर नहीं देखा, तो कभी देखना कि कैसे हाथों के इशारों से स्पष्ट बात करते और समझते हैं। मैं एक वक्त स्मरण करता हूं, जब मैं एक व्यक्ति से मिला था, मुझे कुछ बेचना चाहता था और वह यही इशारा करता था। मुझे पता चल गया था कि वह घबराया हुआ था, तो मैंने उससे बेहतर कीमत पर खरीदने को कहा और उसको हैरानी हो गई। कभी कभी किसी को अपनी बाहू आपस में जोड़ते हुए देखना, ये मतलब हो सकता है कि वह आपसे या आपके कहने से संतुष्ट नहीं है, वह अपने विचारों को आपसे छुपा रहे हैं। इस तरह से अपनी बाहू जोड़ने का तरीका उनके विचारों और भावनाओं को दूसरों से सुरक्षित रखने की तरह है। इस चिन्ह को देखकर आप जब उनसे बात करें, तो दयालु और सतर्क रह सकते हैं, ताकि वह आपसे अधिक संतुष्ट और खुले मन से मिल सके। कभी कभी किसी व्यक्ति को आपस में झुकते हुए देखना, यह मतलब हो सकता है कि वह आपसे या आपके कहने से रुचि रखते हैं, वह आपकी बातों को ध्यान से सुन रहे हैं। इस तरह से अपने शरीर को हिलाने का यह तरीका दिखाता है कि वह आपकी बातों को सुनना, सीखना और समझना चाहते हैं। मैं एक बुद्धिमान शिक्षक से मिला था जो ऐसा करते थे। वह बहुत शांत थे, लेकिन वह दिलचस्पी से आगे झुकते रहते थे, जिससे यह प्रकट होता था कि उन्हें उस विषय के बारे में और जानना था। कभी कभी लोग जब आपसे बात करते समय अपने चेहरे को छूने की आदत डालते हैं, तो आपको पता चल सकता है कि वह किस बारे में सोच रहे हैं। यह अक्सर मतलब रखता है कि वे चिंतित हैं या सोचते हैं। यह सब छूने का तरीका दिखाते हैं कि उनके मन और दिल में क्या हो रहा है। दूसरों के शरीर और हाथों के इशारों को समझने के लिए आपको धैर्य रखना पड़ता है।
सावधानी से देखना पड़ता है और उन बातों की सराहना करनी पड़ती है जो वे नहीं कहते। ये छोटे पर महत्वपूर्ण संकेत हैं, जैसे कि एक शांत पुस्तक आपको उन भावनाओं और विचारों को स्पष्ट दिखाने का काम करती है जो उनमें छुपे हुए हैं, और आपको पुस्तक से बेहतर जुड़ने में मदद मिलती है अगर हम इन तीन तरीकों पर ध्यान देते हैं और उसे सही से समझते हैं। तो हम तेजी से पता लगा सकते हैं कि किसी के मन में क्या चल रहा है, वह हमारी बातों को कितनी ध्यान से सुन रहे और उनके मन में क्या हो रहा है। लेकिन इससे पहले आपको अपने मन को ध्यान में लाना होगा और उसे वर्तमान में लाना होगा, तभी आप इन सभी क्रियाओं पर ध्यान दे सकते हैं, उन्हें समझ सकते हैं और महसूस कर सकते हैं कि उनके मन में क्या चल रहा है। अन्यथा अगर आप पूर्व घटनाओं या भविष्य की योजनाओं में लिप्त हैं तो आप कभी भी व्यक्ति के शरीर भाषा पर ध्यान नहीं देंगे और आप कभी नहीं समझ पाएंगे कि उसके मन में क्या हो रहा है, वह क्या सोच रहा है। आपने कई महान संतों और ज्ञानी व्यक्तियों को देखा होगा जो आपको शांत भाव से देखते हैं और आपको बता सकते हैं कि आपके मन में क्या चल रहा है, आपने उनसे क्या सीखा है। और इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि वे आपको पढ़ सकते हैं, आपको समझ सकते हैं, क्योंकि उनका मन संकेतिक शांतिपूर्ण है, इसलिए वह आसानी से आपके विचारों को समझ सकते हैं। मुझे आशा है कि आपने अब तक कहानी का आनंद लिया होगा और इससे कुछ नया सीखा होगा। अगर कहानी से कुछ सीख मिली हो तो हमें प्रोत्साहित करने के लिए वीडियो को लाइक कर शेयर जरूर करें। नमो बुद्धाय।